他的膜卷了。Hi guys, I'm Mona. Welcome back to my channel. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पूरा दिन. सो मॉर्निंग से लेके आई थिंक आफ्टरनून से मैंने ये स्टार्ट किया. आफ्टरनून से लेके रात के 1-2 बजे तक मैं शेयर करूँगी मैं क्या कर रही हूँ. कुछ खास नहीं किया, बहुत ही सिंपल है. बस मेरी बेटी के साथ आज का पूरा दिन मेरा बीत गया. सो वही छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने कैप्चर किया था आप लोगों के लिए. आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा. अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड अगर चैनल पर न्यू है देन सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. तो अभी माहे का लंच हो गया है एंड मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि महिंद्र ने मेरे लिए लंच ऑर्डर कर दिया था बाहर से. एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा सा होता है. तो अभी आने ही वाला है लंच मेरा. और यहाँ पे माहे अपना गेम खेल रही है, कुछ पता नहीं वो क्या खेल रही है. सो अभी आ गया है लंच, मैं गई थी लंच लाने के लिए. अभी शाम के 5 बज गए एंड मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पे जा रही थी. उनका बेटा है जो कि माही का भी फ्रेंड है. सो सबसे मिलने के लिए जा रहे हैं हम. यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते थे भी कि अब दीदी जब बाहर जाती हो तो कैसा मेकअप करती हो. तो बस एक सिंपल सा मेकअप मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है. वो ये मेकअप मैं जब भी जहाँ भी जाऊँ बाहर तो ऐसे ही होता है. कुछ शायद लिपस्टिक का कलर ही चेंज होता होगा बस. ये बस मेरा गो टू मेकअप गेट रेडी विथ मी. मैं ज्यादा कॉन्टोर, ब्रॉन्जर, आई शेडो वगैरह मैं नहीं लगाती डे टू डे में. अगर कहीं पे जाना है वो सिर्फ वीडियो तक ही रहता है या फिर कुछ शादी वगैरह कुछ ज्यादा हुआ तब भी होता है, नहीं तो नहीं. एंड पीछे मेरी ये बेटी देखो कुछ खुराफाती कर रही है वहां पे. तो यही है, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप डेली भी इतना मेकअप करती है कहीं जाते हैं. नहीं, क्योंकि अभी इसको रेडी करना है. मैं पहले हमेशा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं रेडी नहीं होती ना तो अगर इसको रेडी कर देती हूँ तो दोनों ये दोनों रेडी हो जाते हैं एंड मुझे बोलते रेडी नहीं हुई, अभी तक रेडी नहीं हुई, अभी तक रेडी नहीं हुई, कितना लेट होता है. लेकिन ये इसको ये कोई नहीं देखते फिर बाद में ना, कि उसको रेडी होने से पहले बच्चों को रेडी करना होता है, उनके लिए कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है ना जाने से पहले कि हाँ खा के जाएंगे, आके खाएंगे, कुछ तो होता है, कितना कुछ काम. लेकिन अगर दोनों रेडी हो जाते हैं, रेडी नहीं हुई क्या, कितना टाइम लेती हूँ. इसलिए मैं हमेशा रेडी हो जाती हूँ स्टार्टिंग में कहीं जाना हो तो. एंड यस, बस मुझे लाइनर लगाना बहुत पसंद है, मैं काजल नहीं उतना नहीं प्रिफर करती हूँ. एंड मेरा आंख देखिए कितना लाल हो रखा है, पता नहीं इतना क्यों लाल दिख रहा है यहाँ पे कैमरे के लिए या फिर क्या, आई डोंट नो. एंड मैं डेली में कोई फाउंडेशन भी नहीं लगाती हूँ. अगर कहीं पे जाना है बहुत ही रेयर, अगर कोई फंक्शन हुआ तो ही, मतलब ज्यादा शादी वादी टाइप का कुछ फंक्शन हुआ ना तभी,
नहीं तो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, दैट्स इट, और कुछ नहीं ज्यादा। ओ बेबी के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। एंड बेबी नो, वो मेरा आई शैडो पैलेट लेके खड़ी है, मेरा हाथ ना मेरे दिल पे आ गया अभी माही, क्योंकि वो ना ऐसे उंगली डाल के ना उसको पोक करेगी, फिर ना वो सारा कुछ ब्रेक करेगी। माही गिव मी मामा कम कम। और शिट शिट मेकअप का, इसमें सारे ब्रशेस, इसमें सारा मेकअप, तो होपफुली मैं एंड यस फॉर दिस मैं उतना मेकअप करके नहीं जाती कहीं पे, कॉन्टोर बनाकर सब। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, डोंट डू दैट। ओ मम्मा ओके, फिर मैं आ गई हूँ अभी वापस। एंड अभी 8:30 ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे डिनर बनाना है, काफी लेट हो गई हूँ मैं, तो चलो मैं डिनर बना के बात करती हूँ। एंड पता नहीं मैं बार बार कैमरा की तरफ देख रही हूँ कि मेरा आई लाइनर ही मैं देखे जा रही हूँ बार बार। यस व्हाट, सी देखो ये क्या कर रही है, व्हाट यू वांट। तो चलो ऐसे रख के आज बात करते हैं, ठीक है। पता है ये लड़की ना क्या करेगी, हमेशा से बोलेगी मुझे कि मामा मुझे ना रोटी दो, रोटी दो। पता नहीं उसको रोटी का क्या चक्कर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और इतना ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है यहाँ पे। पता है वो हमेशा बोलेगी मामा मुझे रोटी दो, मामा मुझे रोटी दो। एंड रोटी उसको किस बात की चाहिए मुझे नहीं पता, तो मैं हमेशा ना थोड़ा सा रोटी उसके लिए बना के फ्रिज में रख देती हूँ ऑलरेडी स्टार्टिंग से। नहीं रोटी, नो नो, ओ गॉड, पीछे से चलती उसको ये खाना है अभी, इसको क्या बोलते हैं यार, प्रसाद देते हैं ना हम लोग, दो ची उसको प्रसाद बोलते हैं ना, ये चाहिए उसको अभी। एंड आज काफी लेट हो गई हूँ डिनर बनाने के। अभी बज रात के 9:30 एंड हम लोगों का डिनर हो गया है। मैं बस वेट कर रही हूँ कि अभी थोड़ा सा मैं लाइव जाऊंगी, मैं जैसे कि मैंने बोला था यार व्लॉगिंग करते ना मुझे इतना मजा आ रहा है ना कि फोन को पकड़ के ऐसे ऐसे बात करो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होता है ना मैं खुद को देखने लगती हूँ फोन में। तो 9:30 हो रहा है एंड हम लोग का डिनर अभी हो गया है, माई का भी हो गया है, मुझे अभी लाइव जाना है थोड़ा सा। मैं बोल दी थी 9:30 को लाइव आऊंगी, एंड बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कब लाइव आती हो। सो मैं रोज तो पहले आती थी, अभी रोज नहीं आ पाती हूँ, लेकिन अगर जब भी मैं लाइव आती हूँ तो ये तो फिक्स टाइम है कि मैं 9:30 को ही आती हूँ। फिर अभी पता नहीं घर जाने के बाद कौन सा टाइम होगा वहाँ पे, वहाँ का नेट इश्यूज मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। सो अब तक तो मैं 9:30 को ही मैं आती हूँ, तो चलो फिर लाइव आते हैं, टाइम हो गया है। नेक्स्ट मैं व्लॉगिंग सिखा रही हूँ, करना नहीं है, बस थोड़ा तुम्हारे ब्लॉग में आ जाना है क्योंकि लोगों का रिक्वेस्ट है, देखना चाहते हैं। ओ गॉड, इंसान कितना भाव खा सकता है यार, एक इंसान कितना भाव खा सकता है। पता है जब मैंने लास्ट वाला मेकअप चैलेंज किया था एंड मैं पांडा की तरह दिख रही हूँ यहाँ पे, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट प्लीज इग्नोर, तो मुझे बोलते हैं, वो बोले एक बार के क्या क्यों नहीं करना चाहते थे मेकअप चैलेंज, याद भूल गया। हाँ फिर उस वक्त भी कुछ ऐसा मतलब मजाक कर रहे थे, आज सब लोग बोल रहे थे लाइव में आपको कॉल करने के लिए, आप लाइव कब आओगे, कब लाइव में उनके साथ बात करोगे।
अरे उनको पता नहीं ना मेरा ऑफिस टाइमिंग कैसा है। कब नेक्स्ट कब बात करोगे जीजू, कब बात एक महीने करेंगे? बाद, क्योंकि मुझे मिस करोगे? क्योंकि एक महीने तक तो मैं बैचलर सिर्फ हो गया था, बच्चे एंजॉय करूंगा। मुझे मिस करोगे? मिस करूंगा। मुझे मिस करोगे? तुम कर ही लोगी, मैं क्या करूं। मुझे आप मिस करोगे? ओके, कितना मिस करोगे? ओके, कुछ बोल दो। जीजू, जीजू सब बोलते हैं, जीजू कैसे हैं, जीजू कब आएंगे? हाय सब लोगों को मेरा नमस्ते। मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। होप आप लोग भी अच्छे हैं, अच्छे रहिए। वीडियोस देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या, जब मेरे को टाइम हुआ तो आ जाया करो ना। मेरा तो ऑफिस है, मैं थोड़ा टाइम कम ही दे पाता हूँ। और जब वीकेंड वगैरह होता है तो थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ फैमिली के ठीक साथ। बस ऐसे। है गाइस, अभी रात के 1 बज चेहरे की 12 रहे हैं एंड हाँ, चेहरे पे 12 बजा हुआ है, रात के 1 बजे। बाय। बाय, गुड नाइट। ओके गाइस, अभी रात के 1 बज गए, मुझे सोना है एंड चेहरा कितना गंदा दिख रहा है, देखो यहाँ पे पूरा काजल फैल गया है, पूरा पूरा। गाइस बाय, मैं फिर कल मिलती हूँ, कल ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी या फिर यहीं तक ब्लॉग कर रखती हूँ, पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता मुझे। बाय गाइस, गुड नाइट।